अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस्तांबुल की एक ऐसी बात बताऊंगी जो कि मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर जगह जगह हर 15 टू 20 मिनट्स की वॉक के बाद चैरिटी बॉक्सेस गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं, और उन बॉक्सेस को कोई और नहीं निकाल सकता, उसके अंदर से सामान भी कोई नहीं ले सकता। वीकली बेसिस पे यहाँ पे गवर्नमेंट की गाड़ी आती है और फिर वो ही इससे सामान लेकर जाकर फिर उन्हें सॉर्ट आउट करके क्लीन कर पैक कर ज़रूरतमंद लोगों तक खुद पहुँचाते हैं वो। लेकिन उससे पहले मैं रोड क्रॉसिंग के हवाले से एक और बात बताऊंगी। ये सामने रेड ह्यूमन सिग्नल जो आपको नज़र आ रहा है, ये सिग्नलाइज्ड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग कहलाता है। इसको पफिन भी कहते हैं, पेडेस्ट्रियन यूजर फ्रेंडली इंटेलिजेंस। अगर ट्रैफिक लाइट अभी ग्रीन हुई भी है तो सारी गाड़ियाँ क्रॉस कर रही होंगी, तो हम ये जो बटन है इसको हम दबा देते हैं और फिर हमें वेट करना होता है। ये सेंस करके ग्रीन हो जाएगा तो फिर हम तब रोड क्रॉस करेंगे और ट्रैफिक लाइट जो होगी उस टाइम पर रेड हो जाएगी। तो तब तक कोई गाड़ी क्रॉस नहीं करेगी जब तक एक ग्रीन मैन जो है वो वापस रेड मैन ना हो जाए, और इसके रेड होते ही ट्रैफिक लाइट जो है वो ग्रीन हो जाएगी और फिर सारी गाड़ियां जाने लग जाएंगी। अब सिग्नल ग्रीन हो गया है तो अब हम रोड क्रॉस करेंगे और गाड़ियां जो है वो रुकना शुरू हो जाएंगी। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग सिग्नल आपको कनाडा में, यूके में और यूरोप की साइड पे और ममालिक में भी नज़र आएगा, जबकि मोस्टली रोड्स के इंटरसेक्शन पर आपको नज़र आएगा जहाँ पर लोगों का वॉक करना ज़्यादा होता है, और ये दोनों एंड्स पे लगाया हुआ होता है। ये यूरोपियन साइड ऑफ इस्तांबुल पे आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा क्योंकि वहाँ पर लोगों का चलना बहुत ज़्यादा होता है और बहुत क्राउडेड स्ट्रीट्स होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोड क्रॉस हो गई है और अब हम आ गए हैं चैरिटी बॉक्स के पास। ये है चैरिटी बॉक्स जिसके अंदर लोग अपनी डोनेशंस डालते हैं, और इसके अंदर हम पैंट शर्ट, शर्ट पजामे, कोट्स हो गए, आपके सॉक्स हो गए, शूज़ हो गए, बैग्स हो गए, जो भी ड्राई आइटम्स होते हैं ना इस तरह के पहनने ओढ़ने वाले और ज़रूरत की चीज़ें, हम वो इसके अंदर डाल सकते हैं। खाने पीने की चीज़ें मना होती हैं इसके अंदर डालना। इसको खोल कर सामान कैसे डाला जाता है अभी मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। ये जो बाहर ग्रीन सर्कुलर हैंडल आपको नज़र आ रहा है, इसको पकड़ कर हम खोलते हैं और फिर सामान अंदर रख देते हैं। उसके इस हैंडल को पकड़ कर इस तरह से खींचेंगे तो ये खुल जाएगा। सामान रख कर जब हम छोड़ेंगे तो फिर सामान अंदर चला जाएगा। यहाँ पर इतने आराम से हमें ज़रूरतमंद लोग मिलते नहीं हैं, तो उस लिहाज से हमें काफ़ी सही लगता है कि हम ज़रूरतमंद लोग की जो चीज़ें हैं वो इस बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, और फिर यहाँ से हमें मालूम होता है कि जो गवर्नमेंट है वो फिर सही और मुस्तहिक लोगों तक ही पहुँचाएगी। तो जिसके लिए जो नियर बाय चैरिटी बॉक्स होता है वो वहाँ पर सामान रख देता है। यहाँ से 10 मिनट की वॉक के बाद समझे नीचे जाकर एक और पार्क है, और उस पार्क के बाहर भी एक और चैरिटी बॉक्स है। तो हर कुछ बिल्डिंग्स के बाद जो उनका नियर बाय एरिया होता है वहाँ पर चैरिटी बॉक्सेस लगा दिए जाते हैं ताकि लोगों को आसानी रहे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।